हाँ सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? तुम विजय कुमार बात कर रहे हो ना? जी सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारे खिलाफ वारंट मिला है तुमको अरेस्ट करने के लिए। मैं सीबीआई साइबर क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, लखनऊ से। सर मैंने कौन सा जुर्म कर दिया सर? देखिए मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे मोबाइल में से गंदी फिल्में देखी गई हैं, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा गूगल क्रोम की तरफ से तुमको अरेस्ट करने के लिए वारंट मिला है, तुम्हारा एफआईआर हुआ है। सर पर गूगल क्रोम से हम वीडियो देखते ही नहीं, गंदी फिल्में देखते ही नहीं है सर, हम कैसे मान लें? ये हमको गूगल क्रोम से एफआईआर मिला है, कंप्लेंट मिला है, झूठी खबर नहीं है, झूठी बात नहीं है, समझे? सर तुम्हारे खिलाफ वारंट में मैं तुमको दिखा रहा हूँ, वारंट देखो, पूरा ये वारंट मिला हुआ, देखो इतना बड़ा वारंट मिला हुआ, देखो ये देखो बेटा वारंट मिला हुआ है पूरा सीबीआई का, क्राइम ब्रांच का, देख लो। सर लेकिन हम गंदी संदी वीडियो देखते ही नहीं क्रोम पे। साइबर क्राइम में तुम्हारा नाम आया है, तुमको अरेस्ट करने के लिए यहाँ से ऑर्डर मिला है, हम अभी आएंगे थोड़ी देर में अरेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि आपसे बात कर लूँ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ज्यादा। लेकिन हम कैसे मान लें सर? सर किसी और ने देखा होगा सर, हम तो देखते ही नहीं सर, अश्लीलता वीडियो हम देखते नहीं क्रोम से। 18-19 साल के बेटा अभी उम्र है, हमने सोचा तुमसे बात कर लेनी चाहिए, क्या फायदा, यहाँ आएंगे तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा नाम खराब होगा, इसलिए मैं सोचा तुमसे बात कर लूँ। अरे सर आप बात नहीं माने सर, सर हम नहीं, सुनो मैं पूरा डिटेल यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, देखो तुम्हारा नाम विजय कुमार है। हाँ जी सर, मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ और पिता का नाम यहाँ पे धर्मेंद्र शुक्ला, और तुम्हारा गांव का नाम यहाँ पे आ रहा है मदीमपुरवा। जी सर, जी सर मदीमपुरवा की है हमें, और दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, हमको आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। सर लेकिन हम ये काम किए ही नहीं सर, कैसा है आप क्या बता रहे हैं सर, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर। देखिए बेटा मैं आपको इसीलिए, देखो यहाँ पे तूने यहाँ पे क्या क्या देखा है, पूरा डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा तुमने यहाँ पे गंदी फिल्में देखी है जो कि बैन है इंडिया में, वही सब तुमने देखा है, और ये हरकतें तुमको नहीं करनी चाहिए थी। सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सर, हम क्या करेंगे सर, सर क्रोम ब्राउजर से हम गंदी अश्लीलता वीडियो देखते ही नहीं सर, किसी और ने देखा होगा सर, हमारा झूठा इल्जाम लग रहा सर। झूठा इल्जाम नहीं लगा है तुम्हारा, यहाँ पे आधार कार्ड भी, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी आया हुआ है, देखो 26, 46, 56, 38, 35, 72, ये देखो तुम्हारा पूरा आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, देख लो तुम्हारा यहाँ पे पूरा आधार कार्ड भी यहाँ पे मेंशन है। जी सर मेरा ही नंबर तो मेरा ही है। तो फिर सर अब सोच लो तुम्हारे खिलाफ हम अगर आएंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारा कितना नाम खराब होगा, कितनी बेइज्जती होगी, कितने शर्म की बात है। सर मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं आना सर, मेरे घर पे नहीं आना सर, आप क्या कहे बेटा वारंट है तुम्हारे खिलाफ, अगर हम आएंगे तो फिर तुम्हारा कितना ज्यादा नुकसान होगा, फिर इसमें तुमको जेल भी होगी, कम से कम 7 साल की सजा होगी। सर आपके आगे हाथ जोड़ते सर, हमारे घर बिल्कुल नहीं आना, ही हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर, मोहल्ले वाले हमारे यहाँ से आएंगे सर। तो बेटा तुम अरेस्ट होने से बचना चाहते हो? जी सर मुझे मत अरेस्ट करो सर, हम गरीब आदमी है सर, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हेलो हाँ हेलो 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 अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। सर पिताजी से बात मत करिए सर, हम हमसे ही बात कर लीजिए। अपने पिताजी से बात करवाओ बेटा। सर पिताजी से मत बात करो सर। मेरी आवाज मेरी बराबर आ रही है? जी सर मेरी आवाज तो आपकी आ रही है सर, पर मुझे मत अरेस्ट करो सर, हमारे पिताजी हम जान जाएंगे तो हमको बहुत मारेंगे। तो देखो बेटा मैं सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ, अभिनव वर्मा। जी सर, और ये तुम्हारा केस हमको मिला हुआ है अरेस्ट करने के लिए, और तुम्हारा पूरा कार्रवाई करने के लिए जांच अधिकारी, अभी देखो जांच अधिकारी पूरी जांच कर चुके हैं, तुम्हारा जो है यहाँ पे केस चलेगा और फिर तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको बचना है तो बताओ। सर कैसे बचना है हमको? बचना है सर, हम सर बिल्कुल भी हमको बचना है सर, क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताइए सर। हम सर हमको सारी तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे सर, हमको बिल्कुल भी हमको थाने में मत बिल्कुल बंद करना नहीं, हम बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर हमारी। सुनो बेटा, देखो अगर तुमको बचना है इस अरेस्ट से, बचना है अरेस्ट होने से बचना है, तो तुमने जो क्राइम किया है इसके लिए तुमको खर्चा लगेगा, खर्चा पानी देना पड़ेगा तुमको। सर कितना लगेगा बताइए सर, कितना लगेगा, कितना लगा खर्चा पानी तुम दे दोगे? तुम्हारा हम अभी केस हमारे अंडर में है, तुम्हारा हम केस पूरा रफा दफा कर देंगे, खत्म कर देंगे। सर कितने रुपए लगेंगे ये तो बताइए? अब
अभी तुमको 20,000 रुपया अभी हमको डालना पड़ेगा, 20,000 रुपये डलवा दो, तुम्हारा पूरा केस यहाँ से अभी हम रफा दफा कर देंगे, केस दबा देंगे। सर 20,000 रुपये तो है भी नहीं हमारे पास। 20,000 नहीं है, क्या काम करते हो? सर यही हम मजदूर आदमी है सर, ईटा कराला काम करते हैं। मजदूर आदमी हो? जी सर। झूठ बोल रहे हो, तुम मजदूर आदमी हो, गाड़ी में बैठे हो तुम्हें? सर ये तो दोस्त की थी हमारी, नहीं है सर ये तो दोस्त की है। दोस्त की गाड़ी है? सर मेरे मालिक की। हाँ मेरे मालिक की, वो लड़के की है। तो मालिक की है तो ठीक है, जो भी काम करते हो तो चलो 10,000-20,000 नहीं दे पाओगे, 10,000 अभी दे दो, 10,000 बाद में दे देना, तुम्हारा हम केस सॉल्व कर देंगे। सर हमारे पास एक रुपया भी इसमें नहीं है सर, 100-200 पड़े रुपये हैं सर, वो कहाँ आपके पास हम भेज देंगे हम। तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे अरेस्ट करने के लिए तुमको अभी शाम तक हम आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। सर हमारे घर पे नहीं, सर हमारे घर पे मत आना सर। ये बताइए सर आप बात कहाँ से कर रहे हैं सर? देखो ये मेन ब्रांच में दिल्ली से बात कर रहा हूँ, बाकी केस तुम्हारा लखनऊ में रजिस्टर हुआ है और हमारे अंडर मिला है। सर लखनऊ में किस थाने में हुआ है? लखनऊ में यहाँ पे हजरतगंज थाने में हुआ है तुम्हारा। अच्छा तो सर पैसा कहाँ? तुम्हारा केस नंबर देखो, तुम्हारा CD 555-61 है, तुम केस नंबर तुम्हारा ये है ये। तो सर ये पैसा कहाँ पे जमा होगा ये बताए, कौन से थाने में? नखलों में जमा हो जाएगा? नहीं थाने में तुमको थोड़ी देना पैसा, हमको हमारे क्यों देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा। क्यों बात कर रहे हो थाने से, वो हम पैसे तुमको देंगे, हम थाने में जमा कर देंगे ना डायरेक्ट जाके। नहीं तो पेनल्टी नहीं है ना तुमको, हमको तुम पैसा दोगे तभी तो हम केस रफा दफा करेंगे। हम तुमको हम चलाते नहीं है, पर हम तुमको क्यों देंगे ये बताइए? हम देंगे तुम्हारे बड़े अधिकारी को देंगे हम। बेटा हम आए, केस हमारे अंडर में है समझे, अब तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमको केस रफा दफा करवाना है, नहीं करवाना तो बताओ, मैं अभी अपने सारे पंडित जी गाड़ी निकालिए, ये साला ऐसे बोल रहा है, चल बेटा तेरा वारंट देख ले अभी आ रहे। इधर सुन मेरी बात सुन ले, तू जिस तू नकली पुलिस बनके तू हमको डरा रहा है, धमका रहा है। तू नकली पुलिस, इधर सुन, हमको पता चल गया, इसीलिए तू मास्क लगाया है ना, इसीलिए तू मास्क लगा हुआ है तेरे, देख सकता हूँ, देखिए मास्क लगा हुआ है इसके, इसीलिए मास्क लगा के रखता है ना, ताकि लोग पहचान ना पाए और लोगों से पैसा खींच ले, हमको पागल समझ रखा है। सुन तो मेरी बात सुन ले, तेरी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही, इधर पीछे देख ले, पीछे देख ले, पीछे देख क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे तू? तेरी पूरी वीडियो बन चुकी है, तेरी पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पे, तू सालो बहुत, तुम लोग बहुत ठग तो हो ना। अच्छा अच्छा तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? तू लोगों को लूटता है, बताता है कि उल्टी सीधी वीडियो देखता है क्रोम ब्राउज़र से, लोग नहीं लोगों को डराता है, डराता है लोगों को। तू एक रुपया भी किसी से लूट पाएगा अब तेरा धंधा पानी मैं बंद करवा दूंगा। चल अच्छा हुआ तू बच गया बेटा, समझा, इंडिया में हजारों चूतिया भरे पड़े हैं, कोई ना कोई तो फंसेगा ही। चल हमारे पे दूसरी बार फोन आया था ना, तभी हम जान गए थे कि नकली पुलिस बन के हमको डरा रहा, धमका रहा है, क्योंकि हमारे गाँव में हमारे दोस्त के साथ भी ऐसा हो चुका है ना, फ्रॉड हो चुका है, तो हम भी सतर्क हो गए थे, इसलिए हमको पता था। चल अभी तुझको देखता हूँ, हमारा YouTube पे चैनल है सुशल मैसेज के नाम से, सर्च कर लेना, अभी देखना त्रिवार लग जाएगी। अच्छा 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 अभी देखना, लोगों को तुम डरा धमका कर तुम पैसा को खींचते हो, लूटते हो, ये देखिए दोस्तों इसने फोन काट दिया, क्या होता है दोस्तों, इसी प्रकार से लोग गंदी पंदी वीडियो एक देख भी लेते हैं, जब तब देख लेते हैं, या नहीं भी देखते हैं तो जो देखते हैं वो बिल्कुल भी डर जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, कि देख वो सोचते हैं कि अरे ये पुलिस प्रशासन हमारे घर पे आएगी, हमको गिरफ्तार करने आएगी, तो हमारे माँ और हमारे पिताजी, हमारे पास पड़ोसी क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे होता है अश्लीलता वीडियो देखने का क्रोम ब्राउजर से, ठीक है? तो ये लोग डर जाते हैं, तो लोगों से पैसा मांगते हैं, 20,000, 10,000, 2,000 जितने भी खींच पाए, पहले बताएंगे 50,000, 20,000, 30,000, फिर आ जाएंगे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, जितने भी इनको मिल जाएं उतने खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसा फ्रॉड चल रहा है कि लोग डर के हमारे पैसे दे देते हैं, क्या करें, मजबूर होकर दे देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर कोई
दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो लोग ये वीडियो देख के सतर्क हो जाएंगे, वो इनके झांसे में नहीं आएंगे। तो हमारे आप लोगों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि दोस्तों खुद भी सतर्क होइए और दूसरों को भी सतर्क करिए। तो कैसे करना है दोस्तों, ये वीडियो उठाकर अपने दोस्त के ऊपर भेजो, अपनी फैमिली में डालो, अपने रिश्तेदारों में भेजो, ताकि हर कोई भाई इस फ्रॉड में ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, आप लोग एक एक रुपया खून पसीने की कमाई से कमाते हो, फिर 10,000, 3,000, 5,000 क्या होता डर के हमारे इनके फ़ोन पे पे या पेटीएम पे कर देते हो, खाते में भेज देते हो। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम लोग जागरूकता के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि लोग देखें और जागरूक हों, जानें कि किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। धन्यवाद।